गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए तो आज हम चलेंगे एनसीईआरटी का कन्वर्जन, जो एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में हम पढ़ रहे थे, है ना। और इससे पहले 10 वीडियो हमने बना चुका है, और 10 के बाद अगर आप 10 वीडियो नहीं देख पाए होंगे, सबसे पहले आप 10 वीडियो देखिए, तभी ये क्वेश्चन समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं। तो इससे पहले हम सब वीडियो बना चुके हैं, ये लास्ट वीडियो, सेकेंड लास्ट वीडियो है, ठीक है। तो एनसीईआरटी कन्वर्जन है, जो आपको हेलो एरिंग्स चैप्टर का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे दिया हुआ कन्वर्जन, ठीक है, जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो ये तभी समझ में आएगा जब आप पीछे वाला वीडियो देख पाएंगे, ठीक है। तो 10 वीडियो आप बना दिए हैं, सबसे पहले आप चैप्टर को देखेंगे तो ही समझ में आएगा। चलिए हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे एनसीईआरटी कन्वर्जन, फिर एक वीडियो और बनाएंगे, फिर क्वेश्चन बैंक इस चैप्टर का हम लोग बताएंगे, और फिर ये चैप्टर खत्म करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो हम बात करने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी कन्वर्जन, कन्वर्ट द फॉलोइंग कन्वर्जन, क्या दिया भाई, टॉलवीन से बेंजाइल अल्कोहल कैसे बनाएंगे। तो आपको पीछे हम बता चुके हैं, क्या बताएं, थोड़ा देख लेंगे दूसरा वीडियो, ठीक है। टॉलवीन का स्ट्रक्चर क्या होता है भाई, ये हो गया आपका टॉलवीन, ठीक है, इसको हम लोग टॉलवीन कहेंगे। टॉलवीन से बेंजाइल अल्कोहल बनाना है, बेंजाइल का स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए, CH2 इसको बेंजाइल कहते हैं, और यहाँ OH ग्रुप जोड़ दीजिए, ठीक है, इसको बेंजाइल अल्कोहल कहते हैं। तो टॉलवीन से बेंजाइल अल्कोहल कैसे बनाएंगे भाई, तो इसको बनाने का तरीका है, देखो तो यहाँ CH3 के जगह CH2 और OH है, क्या करना होगा, सबसे पहले क्लोरीनेशन करवा देंगे, क्लोरीनेशन करवा देंगे यूवी लाइट के साथ, है ना, यूवी लाइट के साथ करेंगे, यहाँ पे अटैक करेगा FeCl3 के साथ, यूज करेंगे बेंजीन के साथ, ये बता चुके हैं ना। तो जैसे Cl2 के साथ रिएक्शन करेगी तो क्या बन जाएगा, यहाँ देखेंगे बेंजीन रहेगा, यहाँ पे क्या होगा, एक क्लोरीन जाएगा, हाइड्रोजन को हटा देगा, CH2 और Cl बन जाएगा, HCl बाहर निकल जाएगा, है ना। तो बेंजाइल क्लोराइड बन गया, और बेंजाइल क्लोराइड में Cl को हटा करके OH ग्रुप लाना है, तो कुछ नहीं करना है आपको, एक्वस क्या करना है, KOH का यूज करना है, K+Cl- K, Cl बाहर निकल जाएगा, OH ग्रुप यहां पे जुड़ जाएगा, ठीक है, बेंजाइल अल्कोहल बना। इसी टाइप का हम नेक्स्ट वीडियो की अगर बात करेंगे, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ, बेंजीन टू डाइफिनाइल, है ना, फिटिंग रिएक्शन यूज करेंगे, बेंजीन से डाइफिनाइल का यूज करेंगे कैसे, तो बेंजीन का स्ट्रक्चर छापेंगे, देखिए डाइफिनाइल कैसे बनेगा, डाइफिनाइल का मतलब क्या होगा, दो बेंजीन ग्रुप होना चाहिए, देखिए भाई, तो क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, क्लोरीनेशन करवा दो, है ना, और क्लोरीन अगर बेंजीन के साथ यूज करते हैं तो कैटालिस FeCl3 का यूज करते हैं, बताया गया है ना। और जैसे इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बन जाएगा, देखेंगे क्लोरोबेंजीन बन गया, और एक मॉलिक्यूल है, दो मॉलिक्यूल क्लोरोबेंजीन लेंगे, है ना, दो मॉलिक्यूल क्लोरोबेंजीन लेंगे, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, देखेंगे क्लोरोबेंजीन बन गया, है ना, और एक मॉलिक्यूल नहीं, दो मॉलिक्यूल यहाँ पे क्लोरोबेंजीन ले लेंगे, ठीक है, और इसको सोडियम के साथ रिएक्शन करवा देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, ड्राई इथर, आपको बताया गया है ना, फिटिंग रिएक्शन, दोनों सोडियम दोनों क्लोरीन बाहर निकल जाएगा, 2NaCl बाहर निकल जाएगा, बेंजीन बेंजीन ग्रुप जुड़ जाएगा, है ना, और बन जाएगा क्या भाई, तो बायफिनाइल, ये आपको बताया गया फिटिंग रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बेंजीन से 4-ब्रोमोनाइट्रोबेंजीन, बेंजीन टू 4-ब्रोमोनाइट्रोबेंजीन कैसे बनेगा, देखिए इधर बेंजीन से, बेंजीन दिया हुआ, बेंजीन से 4-ब्रोमोनाइट्रोबेंजीन बनाना है, देखिए सबसे पहले स्ट्रक्चर छापिए, 4-ब्रोमोनाइट्रोबेंजीन, मान लेते ब्रोमीन यहाँ पे NO2 है, देखिए तो 4-ब्रोमोनाइट्रोबेंजीन, यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ 4, 4-ब्रोमो है ना, देखिए यहाँ पे 1, 2, 3 और 4 4-ब्रोमोनाइट्रोबेंजीन कैसे बनेगा भाई, देखेंगे सबसे पहले ब्रोमीन यहाँ पे लाते हैं हम लोग, और ब्रोमीन लाने का तरीका क्या भाई, तो Br2 का यूज करो, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 क्या बन जाएगा, देखेंगे ब्रोमोबेंजीन तो बन गया, अब NO2 ग्रुप लाना है, NO2 के लिए हम आपको तरीका बताए थे, क्या बताए थे, नाइट्रेशन रिएक्शन करवा दीजिए, किसका, HNO3 प्लस किसका यूज करेंगे भाई, H2SO4 का, जैसे यूज करेंगे तो क्या बन जाएगा, नाइट्रेशन रिएक्शन, NO3 टूट जाएगा OH पर माइनस और NO2 पर प्लस, ठीक है, OH माइनस और NO2 पर प्लस, तो यहां से क्या होगा, OH माइनस, ये NO2 ग्रुप जुड़ जाएगा ऑर्थो पर और पारा पर, लेकिन पारा पर वाला क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट बनता है, इससे पहले हम बता दिए थे ना, यहाँ NO2 ग्रुप जुड़ जाएगा पारा पोजीशन पर, क्या बन जाएगा, OH माइनस और H माइनस, है ना, OH माइनस और H प्लस यहाँ से मिलकर के H2O बाहर निकलेगा, और यहाँ से बन जाएगा 4-ब्रोमोनाइट्रोबेंजीन, ये बताया गया क्वेश्चन, ठीक है, नाइट्रेशन रिएक्शन। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे बेंजाइल अल्कोहल से 2-फिनाइलइथेनोइक एसिड क्या बनेगा, देखिए इधर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बेंजाइल अल्कोहल CH2OH, ये है आपका बेंजाइल अल्कोहल, 2-फिनाइलइथेनोइक एसिड क्या बनेगा, 2-फिनाइलइथेनोइक एसिड, देखिए इधर ये है 2-फिनाइल, यहां 1 यहां 2, 2 पर फिनाइल इथेनोइक एसिड कैसे बनेगा भाई, तो कुछ नहीं करना है,
OH को हम लोग क्या कर सकते हैं देखेंगे, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। Cl में कन्वर्ट कीजिए, सबसे पहले SOCl2 के साथ रिएक्शन करेंगे, तो यहाँ OH हट जाएगा, Cl ग्रुप जुड़ जाएगा, और जैसे Cl ग्रुप यहाँ जुड़ जाएगा क्या बन जाएगा, CH2Cl। अब Cl को क्या करेंगे, KCl के साथ रिएक्शन करवा दो, तो K प्लस Cl माइनस बाहर निकल जाएगा KCl, और Cl ग्रुप यहाँ पे जुड़ जाएगा, जैसे यहाँ जुड़ जाएगा क्या बन जाएगा देखो तो CH2 और CN। और आपको बताया था कि CN रहेगा इसको हाइड्रोलाइसिस अगर कर दे है ना टू टाइम एसिडिक मीडियम में, तो ये COOH में कन्वर्ट हो जाता है, तो CN COOH में कन्वर्ट हो गया, तो क्या बन गया भाई देखो तो एक दो दो पर क्या हो गया फिनाइल इथेनॉइक एसिड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट कन्वर्जन, ठीक है, आपको एग्जाम क्वेश्चन पूछा गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करने की कोशिश करेंगे, देखिए फोर है ना यहाँ पे, देखिए एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन, ये बताया गया है एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन, सबसे पहले इसको बीडीसी में कन्वर्ट करते हैं, आपको बताया गया है ना, सब कन्वर्जन पीछे बताए हैं प्रिपरेशन में। एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन कैसे कन्वर्ट करेंगे, एनिलीन का फॉर्मूला यही होता है, क्लोरोबेंजीन का मतलब क्या हो भाई, ये बनाना है क्लोरोबेंजीन, कैसे बनेगा पहले इसको बीडीसी में कन्वर्ट करो, और बीडीसी में कन्वर्ट करने के लिए तरीका बताए थे NaNO2 + HCl, आपको बताए थे है ना, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस ये तरीका बताए थे, तो क्या बन जाएगा भाई बीडीसी में कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे बीडीसी में कन्वर्ट हो गया, अब यहां से क्या यूज करेंगे, सेमबेर रिएक्शन या गेटरमेर रिएक्शन, क्या करेंगे CuCl का यूज करो एसिडिक मीडियम में, या फिर क्या यूज करेंगे कॉपर HCl के प्रेजेंस में, तो डायरेक्ट ये तुम्हारा क्या बन जाएगा बीडीसी से क्लोरोबेंजीन, सेमबेर रिएक्शन या गेटरमेर रिएक्शन आपको बताया गया, ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन बन गया। अगला क्वेश्चन बोल रहा है क्लोरोबेंजीन से पारा नाइट्रोफिनोल कैसे बनेगा, देखिए इधर क्लोरोबेंजीन से, क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन से पारा नाइट्रोफिनोल, ये है आपका पारा पर नाइट्रो है और फिनोल है, कैसे बनेगा बेंजीन से पारा नाइट्रोफिनोल, क्या करेंगे सबसे पहले नाइट्रोबेंजीन में कन्वर्ट करेंगे हम लोग, क्लोरोबेंजीन को नाइट्रोबेंजीन में कन्वर्ट कीजिए, तो यहाँ पे हम लोग किसका यूज करेंगे HNO3 का यूज करेंगे प्लस H2SO4 का यूज करेंगे, जैसे यूज होगा क्या बन जाएगा भाई NO2 ग्रुप पारा पोजीशन पर जुड़ जाएगा, क्लोरीन तो रहेगा NO2 ग्रुप पारा पोजीशन पर जुड़ जाएगा, अब ये Cl को OH में कन्वर्ट करने के लिए चूंकि NO2 आ गया, यहाँ डॉस प्रोसेस का यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे 443 केल्विन आपको बताया गया प्लस किसके साथ NOH के साथ, ये Cl किसमें कन्वर्ट हो जाएगा OH में, ठीक है, तो पारा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन से तुम्हारा क्या बन गया क्लोरो नाइट्रोबेंजीन से बन गया क्या पारा पर नाइट्रो है ना और फिनोल बन गया, ठीक है पारा नाइट्रो और फिनोल बन गया, तो क्लोरोबेंजीन से पारा नाइट्रो फिनोल बनने का तरीका, सबसे पहले NO2 ग्रुप जोड़ेंगे उसके बाद क्या करेंगे डॉस प्रोसेस का यूज करके फिनोल बनाएंगे, तो ये था आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, और ये